वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे सोयाबीन कबाब। ये बहुत ही मस्त यमी नंबर वन रेसिपी है। इसे बनाना बहुत आसान है और सही मायने में ये इश्क वाला फूड है। तीज भी आ रहा है, सो आपकी वाइफ जब तीज का व्रत खोले तो उसे ये कबाब बनाकर जरूर खिलाएं। कबाब बनाने के लिए मैंने सोयाबीन चंक लिया है। इसमें मैं हॉट वाटर ऐड करूंगी। थोड़ा अच्छे से वाटर ऐड करना है, कम ना डालें, ज़्यादा डाल दें लेकिन कम नहीं डालें। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड इसे लगभग आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ढक के या ऐसे भी। आधे घंटे बाद ये देखिए सोयाबीन अच्छे से फूल गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब इसे अच्छी तरह दबा दबा के हम इसका वाटर निकाल लेंगे और दूसरे किसी बर्तन में हम सोयाबीन को रख लेंगे। इसी तरह दबा दबा के सोयाबीन का पानी निचोड़ लें। पानी को अच्छे से निचोड़ लीजिए, नहीं तो बाद में जब कीमा हम रेडी करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि वो गीला गीला सा हो जाता है। इसलिए हमेशा सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ लें ताकि पानी बढ़िया से निकल जाए। यहाँ मैंने प्याज, अदरक, लहसुन एंड एक हरी मिर्च कट करके रखा है। इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। इसे ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और इसका पेस्ट रेडी करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च दो या तीन डाल दें। मैंने सिर्फ एक डाला है क्योंकि इसमें लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च भी बाद में डालेंगे। ये देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इसी में हम सोया चंक को डालेंगे क्योंकि ग्राइंड ही करना है, मिक्स ही करना है। तो हम कर लेते हैं डाल के। ये देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। ये छोटा जार है सो एक साथ नहीं होगा, तो दो या तीन बार करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब फिर से हम सोया चंक इसमें डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। ये बहुत यमी रेसिपी है, आप लोग पक्का ट्राई करना। अगर नहीं ट्राई करते हो या दूसरे स्टाइल में आप लोग बनाते होंगे, इस स्टाइल में ज़रूर ट्राई करना। अगर एक बार आप सही में इसे खाओगे फिर मटन कबाब भूल जाओगे, बहुत टेस्टी होता। और इस रेसिपी में कोई तामझाम नहीं है। ये देखिए ये सारा सोया चंक अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला एंड सॉल्ट एंड फाइनली 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर एंड 2 टेबल स्पून मैदा हम इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे हाथों से मिला के। स्पून से ट्राई ना करें, फिर कीमा हमारा अच्छा रेडी नहीं होगा। ये कीमा हमारा रेडी हो गया। अब कबाब रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल को हाथों पे आप लगाएं और एक पेंसिल या पेन ले लें या स्पून भी ले सकते हैं और इस तरह से उसका शेप दें हाथों में, चारों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा लें। इससे अच्छे से बाइंड हो जाएगा और ये मस्त रेडी हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए फिर इसे आराम से निकाल लें। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे बनता होगा, लेकिन ये बहुत आराम से बन जाता है। इसी तरह सारे कबाब रेडी कर लिए। ऑयल को मैंने यहाँ गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, ये गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके कबाब को हम डाल देंगे और गैस को हम कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पे ताकि कबाब अच्छे से पक जाए। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो कबाब अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा। सो आप गैस को मीडियम या लो मीडियम पे रखें। ये देखिए एक साइड से पक गया है एंड इसका कलर भी आ गया है। अब इसे हम पलट ले रहे हैं और सेम इसे छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
फिर दूसरे साइड से भी ये पक जाएगा। ये देखिए दूसरे साइड से भी ये हो गया है। फ्लेम को कर देंगे हाई एंड 20 सेकेंड के लिए इसे उलट पलट के हम पका लेंगे। ये पका हुआ है, बस 20 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे इसे उलट पलट लेना है। और फाइनली ये हो चुका है और अब इसे हम निकाल लेंगे। हाई फ्लेम जैसे ही करें आप ध्यान रखें कि ज़्यादा देर नहीं रखें, 20 सेकेंड सिर्फ इसका डार्क कलर लाने के लिए मैंने ये किया। ये देखिए ये हो गया है। ऐसे ही मैंने बचे हुए जो कीमा थे उसके शेप दे दिए हैं, कुछ मैंने लॉलीपॉप टाइप्स बनाए हैं। अब इसको भी हम डाल के सेम स्टाइल में फ्राई कर लेंगे जैसे पहले मैंने किया। इसको देखिए, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आएगा इसलिए मैंने इसे लॉलीपॉप वाला स्टाइल में बना दिया है। अब इसको निकाल लेंगे। फाइनली आपका कबाब रेडी है। इसे सर्व करेंगे अनियन लच्छा सैलेड लेमन एंड चटनी के साथ। थोड़ा हम टेस्ट करके देख लेते हैं। वाव, सच में ये बहुत यम्मी है, आप लोग भी जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे मेरी रेसिपी सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।